गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी हैं। जुलाई के इस पहले वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 और 7 का एक कॉमन टॉपिक है, जो है फ्रैक्शन। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 एंड 7 के नए टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में जो है स्टूडेंट्स कहा जाता है भिन्न। अब जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है तो उस टॉपिक से पहला ही यही क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का क्या अर्थ है, फ्रैक्शन होता क्या है। तो एग्जांपल के रूप में अगर हम सबसे पहले स्टडी करें व्हाट इज ए फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट्स लुक एट दिस फिगर। दिस इज ए वन रेक्टेंगल, इट इज ए होल रेक्टेंगल। अगर इस पार्ट को हम देखें तो ये पार्ट अभी वर्तमान में हमें क्या दिख रहा है, पूरा वन। बट स्टूडेंट्स इफ वी फिगर डिवाइडेड या वी ड्रॉ ए लाइन इन द मिडल ऑफ दिस फिगर, इट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। दिस पार्ट कॉल्ड 1/2, दिस कार्ड पार्ट 1/2। किसी भी एक फिगर को डिवाइड करना, उसे असंख्य संख्याओं में बांटा जा सकता है, वह चीज कहलाती है फ्रैक्शन। इस फिगर को हमने वन लाइन ड्रॉ करके टू पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों पार्ट्स हो गए, तो हो गया एक पार्ट 1/2, 1/2 यानी हाफ पार्ट और हाफ पार्ट। नाउ इफ वी ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस, नाउ दिस पार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, सो इट इज कॉल्ड 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। स्टूडेंट्स इस पूरे फिगर को हमने फोर भागों में डिवाइड किया तो ये हो गया एक पार्ट कितना हो गया 1/4। यानी किसी भी फिगर को, किसी भी संख्या को असंख्य भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जब हम किसी भी संख्या या किसी फिगर को अनंत भागों में या एक किसी निश्चित संख्या में या निश्चित भागों में उसे बांटते हैं तो वह संख्या जो बनती है वह कहलाती है फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे व्हाट इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ए डिवाइड ऑफ ए नंबर्स इनटू मेनी पार्ट्स। नाउ वी राइट सम फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स आर ऑलवेज राइट इन अपॉन मैनर। लाइक मैं कुछ फ्रैक्शन नंबर्स लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, सम फ्रैक्शन नंबर लाइक 1/2, 3/5, 10/4, 21/6, 3/1/2। लुक एट दिस नंबर, इन नंबरों को देखिए और इन नंबर्स को रीड करने का सिस्टम देखिए। यहां दो नंबर्स लिखे हैं, बीच में जो ये डिवाइड का चिन्ह है इसको रीड आउट कैसे करते हैं। दिस नंबर इज रीड 1/2, 3/5, 10/4, 21/6 एंड दिस नंबर 3/1/2। नंबर्स को रीड करने का भी एक सिस्टम होता है, फ्रैक्शनल नंबर्स को किस तरह से रीड किया जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। नॉर्मल नंबर्स अगर आपने स्टडी किए तो हम ऐसे लिखते हैं 5, 15, 33, 92, ये नॉर्मल्स नंबर्स हैं जिनको होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाते हैं उसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस। अब हमने जो अभी जो फ्रैक्शंस हमारे सामने हमने लिखे हैं, अब देखिए इसमें 1/2 यानी 1 नंबर ऊपर है और 2 नीचे है, 3 ऊपर है और 5 नीचे है। तो जो नंबर ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, या जो नीचे होता है वो नंबर क्या कहलाता है। जैसे लाइक इसको रीड करते हैं 1/2, तो 1 क्या है, 1 इज द न्यूमरेटर। अगर हम 1/2 लिख रहे हैं तो इसमें दोनों नंबर जो है वो अलग अलग कहलाते हैं, एक नंबर न्यूमरेटर्स कहलाता है और एक नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर कहलाता है। ध्यान रखिए ऊपर के नंबर्स को हम हमेशा क्या कहते हैं, न्यूमरेटर्स, और नीचे के नंबर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं डी यानी डिनोमिनेटर्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर्स हैं इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। जैसे यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है और ये बड़ा नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ इस नंबर्स पर अगर हम फोकस करते हैं तो द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। लुक एट दिस नंबर नाउ, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इन दिस नंबर्स देयर आर द थ्री डिजिट्स, इसमें थ्री डिजिट्स हैं। तो इन नंबर्स अलग अलग हैं तो हम इनकी पहचान कैसे करेंगे या इनको क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है वो देखिए, जैसे जो भी नंबर्स है, ये दो नंबर जो है हमारे पास, इसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, स्मॉलर है, छोटा है। तो जिस नंबर में न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा हो गया? जो नंबर हमने ऊपर लिए हैं उसमें से 1/2 और 3/5, इनको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। सेकेंड जो फ्रैक्शन है वो होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होंगे? जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। लुक एट द बोर्ड, इन दिस नंबर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दीज नंबर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। 10/4 एंड 21/6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड टाइप का जो फ्रैक्शन है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अगर आप बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा विच इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ए नंबर इन दिस फॉर्म इज ऑलवेज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। 3/1/2, एनी अदर एग्जाम्पल्स? 5/1/4। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी की है फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या है, उसके बाद जो फ्रैक्शंस नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। रीड आउट 1/2, 3/5, 10/4, 21/6, 3/1/2, रीड आउट इनको इस फॉर्मेट में किया जाता है। फिर जो ये नंबर्स होते हैं दो भागों में है, एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे होता है। ऊपर का नंबर हमेशा न्यूमरेटर और नीचे का नंबर हमेशा डिनोमिनेटर कहलाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन में हमने स्टडी किया है प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। प्रॉपर का आप स्टडी कर चुके हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हमने जो इम्प्रॉपर का किया उसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर से छोटा होगा अंकों में। मिक्स फ्रैक्शन की अगर बात करें तो इस फॉर्मेट में थ्री डिजिट्स में लिखे जाने वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो ओके स्टूडेंट्स, क्लास 6 एंड क्लास 7 बोथ क्लासेस के लिए आज का हमारा टॉपिक था, क्लास 6 एंड 7 के लिए मैथ्स में फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।